फ्रेंड, एसिडिटी हमारे देश में ऐसा एक प्रॉब्लम है जो 70-80% लोगों को ये जो बीमार है ये रहते हैं। हो सकता है आपको नहीं है, लेकिन आपको फैमिली वालों किसी ना किसी को तो है ही। हो सकता है आपको भी थोड़ा उल्टा सीधा खाना खाने का वजह से हो जाते, फिर आपको दवाई लेना पड़ते। फिर आपका फैमिली में ऐसा कोई है जो एसिडिटी का प्रॉब्लम से बहुत साल से जूझ रहा है, ट्रीटमेंट कराते, दवाई पीते, सिरप वगैरह पीते, लेकिन फिर से जैसे कि ऐसे हो जाते। तो फ्रेंड, एक ही सवाल आते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? ये लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इलाज नहीं है, अभी तक बाजार में नहीं आया। तो फ्रेंड, मैं अगर बोलूं तो इसको बिल्कुल इलाज है, वो लाइफ टाइम के लिए आपको कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो इलाज भी है, लेकिन आपका जो एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम है उसमें तो कभी नहीं जाएगा। एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम में आप अगर एसिडिटी के लिए गोटी पियोगे तो तुरंत आराम तो गिर जाएगा, लेकिन उसका बाद में फिर आप अगर उल्टा सीधा खाओगे, उल्टा सीधा करोगे तो फिर से आ जाते। तो एलोपैथी ऐसे एक दवा है फ्रेंड, वो लाइफ टाइम के लिए यूज तो नहीं कर सकते, और उसमें आपको जार से नहीं निकलेगा बीमार, वो सिर्फ दबा के रखेगा, फिर जैसे कि ऐसे हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा देश का जो आयुर्वेदिक तरीका है उससे आप लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते। तो फ्रेंड, आपको बताऊंगा आप कैसे लाइफ टाइम के लिए इससे छुटकारा पा सकते, लेकिन पहले तो ये जानना पड़ेगा आपके एसिडिटी क्यों होता है। फ्रेंड, एसिडिटी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका लीवर ज़रा कमजोर हो चुका है, फिर खाना पचाने का जो एसिड है आपका पेट में वो ज़रा कमजोर हो गया है, फिर हो सकता है आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं जिसका वजह से आपको हजम कम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे बाहर के खाना में एसिडिटी सब ज़्यादा बढ़ने का संभावना रहते। और फिर ऐसे भी हो सकता है आपको रात में नींद बराबर नहीं होते, फिर ऐसा भी हो सकता है जो आपको कोई बड़ा बीमार था जो अभी तो ठीक हो चुका है, लेकिन उसका बीमार का जो असर है वो अभी तक आपका अंदर है। तो फ्रेंड, एक कई सारे वजह है जिसका वजह से हम लोगों को एसिडिटी हमेशा रहते। तो आप जितना भी कंट्रोल करो, कभी कभी बाहर का खाना खाना ही पड़ते, कभी कभी रात में ज्यादा देर में सोना भी पड़ते, फिर जो प्रॉब्लम है वो हर किसी को फेस करना पड़ते। तो फ्रेंड, करें तो क्या करें इसके लिए? तो फ्रेंड, मैं जो तरीका बताऊंगा आपको वो आप जरा फॉलो करोगे तो लाइफ टाइम के लिए एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को बिना स्किप करके आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात भी अगर छूट जाए तो ये सीख नहीं पाओगे कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ घरेलू नुस्खा, सिर्फ नुस्खा से कम नहीं करेगा, आपको जरा आदत भी चेंज करना पड़ेगा, आपको खाना पीना का टाइम टेबल भी जरा चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं नुस्खा बताते फ्रेंड, आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप नीम का पत्ता के बारे में तो सुना ही होगा, जब भी नींद से उठोगे सुबह में कुछ खाने का पहले नीम का पत्ता तोड़ के लाना, ला के वो अच्छा करके धो लेना। फिर आपका पास अगर मिक्सर है तो अच्छा है, मिक्सर से अच्छा करके मिक्स कर लेना, अगर मिक्सर नहीं है तो आप किसी से भी अच्छा करके कूट के उसका जूस बना लेना। तो फ्रेंड, जब जूस हो जाएगा तो पूरा एक गिलास बनाना, हर रोज सुबह में उठ के वो जो नीम का जूस है वो पी लेना, और पीने के बाद और भी दो गिलास पानी उसके साथ पी लेना। पहले थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि खाने में स्वादिष्ट ऐसे ही नहीं है, तो उसका बाद में फ्रेंड आपका आदत सा बन जाएगा। तो लाइफ टाइम के लिए पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हफ्ता में एक बार, 15 दिन के में एक बार पियोगे बाद में तब चल जाएगा, लेकिन अभी जब चालू करोगे तो हर रोज पीने का कोशिश करना कम से कम 15 दिन तक। और उसका बाद फ्रेंड आपको करना क्या पड़ेगा, आदमी ज़्यादा गलती कर देते जो सुबह में उठ के चाय फिर दूसरा कुछ पी लेते, लेकिन सुबह में उठ के आपको तो पहले ये पियोगे, फिर इसका बाद जब ये पीना कम कर दोगे तो सुबह में उठ के कम से कम 3-4 गिलास पानी पी लेना सुबह में उठते ही। और जरा सुबह सुबह उठने का कोशिश करना तो एसिडिटी का प्रॉब्लम फ्रेंड हमेशा के लिए चला जाएगा। और दूसरा बात है, जितना हो सके बाहर का खाना कम खाना, मसाला मिर्ची फिर तेल कम डाल के फिर खाना बनाना, और हो सके तो खाना 3 टाइम खाने का कोशिश करना, और ज़्यादा भाजी जैसे खाना वो नहीं खाना, बाहर का हो फिर अंदर का घर का हो बिल्कुल उस कम करने का कोशिश करना। रात में फ्रेंड सुबह सुबह सो जाना, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सुबह में उठकर जूस पीना, उसके बाद में 3 टाइम खाने का कोशिश करना, और फ्रेंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना, बस आपको दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे अभी तक जितना दवाई ले रहे थे वो दवाई आपको लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखना, एलोपैथी जो एसिडिटी के लिए जो गोटी सिरप वगैरह तो जार से नहीं मिटाते।
पहले बात तो साफ है, और दूसरा बात है ये आप मैं जो नुस्खा आपको बता इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका और भी बेनिफिट है, जैसे पेट का बीमार तो ठीक करते इसका दूसरा फायदा भी है, और दूसरा फायदा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको एसिडिटी का जो सोल्यूशन दिया है ये आप जरा ध्यान में रखना, और आपको हो फिर आपका घर में फिर आपके रिश्तेदार में किसी का भी हो तो फ्रेंड वो ये नुस्खा और ये तरीका मैं बताया ये अगर फॉलो करोगे तो लाइफ टाइम के लिए मैं गारंटी देता हूँ लाइफ टाइम के लिए छुटकारा उसको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपको अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो जरूर आपका दोस्त एंड रिश्तेदार के साथ शेयर करना, सबका तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अच्छा रहना, सुरक्षित रहना, नमस्कार।